हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी बैश में। दोस्तों, हम हर बार आपके लिए अच्छी और यूनिक मूवीज का कलेक्शन ला रहे हैं और इस बार हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 10 हॉरर मूवीज हॉलीवुड की, जो कि हॉरर और थ्रिल से भरपूर है और ये सब आपको बहुत पसंद आएंगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो और बात करते हैं नंबर 10 की। नंबर 10 पे दोस्तों ग्राइंड हाउस, जो कि आई थी 2007 में, एक्शन हॉरर थ्रिलर है दोस्तों। इसमें आईएमडीबी रेटिंग है 7.5, अवेलेबल है ये यूट्यूब पे। कहानी की बात करें दोस्तों, तो ये मूवी दो हॉरर मूवीज का कलेक्शन है। इसमें से एक मूवी डेथ प्रूफ है और दूसरी प्लैनेट टेरर। दोस्तों नंबर 9 की बात करते हैं। नंबर 9 पे है टकर एंड डेल वर्सेस एविल, जो कि आई थी 2010 में, कॉमेडी और हॉरर है दोस्तों। इसमें आईएमडीबी रेटिंग है 7.5, अवेलेबल है ये वुडू पे। तो दोस्तों, बात करें कहानी की, तो इसमें टू हिल बिलीज फ्रेंड टकर और डेल वेकेशन पर माउंटेन्स जाते हैं, जहां उन्हें कॉलेज का ग्रुप मिलता है जो उन दोनों को किलर्स समझ लेता है। आगे नंबर 8 की बात कर लेते हैं। नंबर 8 पे है अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट, जो कि आई थी 1984 में, हॉरर है दोस्तों ये, और आईएमडीबी रेटिंग है 7.5, अवेलेबल है ये यूट्यूब पे। दोस्तों, इसमें एक बच्चे की आत्मा एक दूसरे बच्चे को परेशान करती है, क्योंकि वो बच्चे के पेरेंट्स उसके डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नंबर 7 पे दोस्तों द अदर्स, जो कि आई थी 2001 में, हॉरर मिस्ट्री और थ्रिलर है दोस्तों इसमें, और आईएमडीबी रेटिंग है 7.6, अवेलेबल है ये यूट्यूब पे। दोस्तों, इसमें एक औरत अपने दो फोटो सेंसिटिव बच्चों के साथ डार्क एंड हाउस में रहती है, और वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे उसे पता चलता है कि वो घर हॉन्टेड है। और नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो नंबर 6 पे है द फ्लाई, जो कि आई थी 1986 में। दोस्तों, ड्रामा हॉरर और साईफाई से भरपूर, आईएमडीबी रेटिंग है 7.6, अवेलेबल है ये वुडू पे। दोस्तों, इसमें एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करता है और वो एक्सपेरिमेंट गलत हो जाता है और वो जायंट में कन्वर्ट होने लगता है, जो कि उड़ भी सकता है। नंबर 5 पे दोस्तों गेट आउट, जो कि आई थी 2017 में, और ये हॉरर मिस्ट्री और थ्रिलर से भरपूर, आईएमडीबी रेटिंग है 7.7, अवेलेबल है ये वुडू पे। दोस्तों, इसमें एक ब्लैक बॉयफ्रेंड जब अपनी व्हाइट गर्लफ्रेंड के घर विजिट करने जाता है तो उसके साथ कुछ घटनाएं होती हैं जो उसे हैरान और परेशान कर देती हैं। नंबर 4 की दोस्तों बात करें, तो नंबर 4 पे है एविल डेड सेकंड, जो कि आई थी 1987 में, एक्शन कॉमेडी और फैंटेसी से भरपूर दोस्तों। आईएमडीबी रेटिंग है 7.8, अवेलेबल है ये यूट्यूब पे। कहानी की बात करें दोस्तों, तो इस मूवी में लोगों का ग्रुप एक घर में फंस जाता है, जहां भूत उन लोगों पर हमला करता है, और इस मूवी का एक प्रीक्वल भी है दोस्तों। नंबर 3 पे दोस्तों मिजरी, जो कि आई थी 1990 पे, ड्रामा थ्रिलर है दोस्तों ये, और आईएमडीबी रेटिंग है 7.8, और अवेलेबल है ये एप्पल टीवी पे। कहानी की बात करें दोस्तों, तो एक फेमस नोवेल ऑथर को कार क्रैश से बचाने के बाद एक लड़की उसकी केयर भी करती है, बट वो धीरे धीरे उसको टॉर्चर करना स्टार्ट कर देती है। नंबर 2 पे दोस्तों द थिंग, जो कि आई थी 1982 में, हॉरर मिस्ट्री और साईफाई से भरपूर, आईएमडीबी रेटिंग है 8.1, अवेलेबल है ये यूट्यूब पे। दोस्तों, ये मूवी एक एलियन बेस्ड मूवी है। इसमें एलियन अपने विक्टिम का शेप ले लेते हैं, इन पर रिसर्च करने वाली टीम पर भी हमला होता रहता है। नंबर 1 की बात करें दोस्तों, तो नंबर 1 पे है द शाइनिंग, जो कि आई थी 1980 में, और ड्रामा हॉरर से भरपूर दोस्तों, आईएमडीबी रेटिंग 8.4, अवेलेबल है ये यूट्यूब पे। दोस्तों, कहानी की बात करें दोस्तों, तो एक फैमिली विंटर वेकेशन के लिए एक आइसोलेटेड हाउस में जाती है, जहां उनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जो उनके फादर को वायलेंट बना देती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये लिस्ट काफी पसंद आई होगी और आप कोई ना कोई मूवीज जरूर देखना चाहेंगे। तो दोस्तों, आगे के और बेहतरीन वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल मूवी बैश को सब्सक्राइब जरूर करें।